आज की वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का अध्याय नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.2। प्रश्नावली 7.2 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लास्ट वीडियो में हम आपको विस्तार से समझा चुके हैं। हमें प्रश्नावली 7.2 में दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। पहले विभाजन सूत्र वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है और दूसरा मध्य बिंदु के सूत्र वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको याद रखना है। उम्मीद है कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे और अच्छी तरीके से याद होंगे। अब आप देख सकते हैं प्रश्नावली 7.2 का पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। कोई एक रेखाखंड है जो -1, 7 और 4, -3 बिंदु से मिलके बना है, जिसको कोई बिंदु होगा वह बिंदु 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो जो बिंदु विभाजित कर रहा है उस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। समझिएगा ध्यान से, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रश्न क्रमांक कौन सा है बेटा, फर्स्ट है, और डायग्राम बनाएं तो डायग्राम में एक बिंदु ए है और एक बिंदु जो है वो क्या है बेटा, बी है, जिससे मिलके एक रेखाखंड ए बी बनाया गया है। बिंदु ए के जो निर्देशांक है वो हम मान लेंगे कि -1 और 7 हैं, और बिंदु बी के जो निर्देशांक हैं वो 4 और -3 है। अब क्या करेंगे बेटा कि हम मानेंगे कि माना कि बिंदु पी इस रेखाखंड पर एक बिंदु मानेंगे पी, जो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, और इसके जो निर्देशांक हैं वो क्या मान के चलते हैं बेटा, एक्स वाई। तो माना कि बिंदु पी जिसके निर्देशांक क्या है बेटा, एक्स वाई है, रेखाखंड ए वी को 2:3 में विभाजित करता है। अब हम यहां पे विभाजन सूत्र से हमें बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करना है, मतलब एक्स का मान और वाई का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विभाजन सूत्र क्या होता है बेटा, विभाजन सूत्र होता है x = m1x2 + m2x1/m1+m2 और y = m1y2 + m2y1/m1+m2। ये हमारे पास विभाजन सूत्र होता है। m1 m2 का मतलब होता है जिस अनुपात में विभाजित होते हैं, यानी कि m1 का मान कितना हो जाएगा बेटा, 2, और m2 का मान कितना हो जाएगा, 3। और पहले बिंदु के निर्देशांक x1 y1, दूसरे बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो x2 y2, और जो बिंदु विभाजित करेगा उस बिंदु के निर्देशांक हम हमेशा एक्स वाई मानकर चलते हैं। अब यहाँ पे केवल हमें मान रखना है, तो बेटा एक्स का मान तो एक्स ही हो जाएगा, बराबर m1 का मान कितना रखेंगे, 2 गुणे, और x2 का मान 4 + m2 का मान हो जाएगा 3 गुणे, x1 का मान -1 / m1 का मान 2 और m2 का मान 3। y का मान बेटा y रहेगा, m1 का मान 2 गुणे, y2 का मान कितना हो जाएगा, -3 + m2 का मान कितना रखना है, 3 गुणे, और y1 का मान रखेंगे 7/2 + 3। सॉल्व करेंगे तो x = 4 × 8 और 3 का -1 से करेंगे सो -3, और / 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5। y बराबर कितना मिलेगा हमें यहाँ पे,
ये हो जाएगा हमारा -6 और 7 3 प्लस का 21 बटे 5। यहाँ पे बेटा 8 में से 3 जाएगा तो x बराबर 5/5 और y बराबर 21 में से 6 को माइनस करोगे तो +15/5। इसको काटेंगे तो x बराबर 1 और यहाँ पे y बराबर जो है वो कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा 3। अतः बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे, बिंदु P के निर्देशांक 1 और 3 होंगे। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं से नंबर काटने का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। तो सेम टू सेम आप क्वेश्चन को हमारे जैसा सॉल्व करना ताकि आपको पेपर में अच्छे नंबर मिले। इसके बाद अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। और दूसरा प्रश्न क्या है बेटा कि बिंदु दूसरा प्रश्न क्या है कि बिंदु 4-1 और -2-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का मतलब होता है 3 समान भागों में विभाजित करना। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक रेखाखंड है जो 4-1 -2-3 से मिलके बना है और उस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे हम एक रेखाखंड बनाएंगे जो कि बिंदु A और B से मिलके बना हुआ है। दूसरा प्रश्न है, हमारे पास एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड है जो बिंदु A और बिंदु B से मिलके बना है और बिंदु A के निर्देशांक कितने दिए हैं बेटा, 4-1, 4-1, और जो B है B के निर्देशांक -2 और -3 है। इस रेखाखंड ए बी को हमें त्रिभाजित करना है, समत्रिभाजित मतलब कि 3 समान भागों में। तो एक बिंदु P मान लेंगे और एक बिंदु क्या मान लेंगे, Q। तब यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना कि बिंदु बिंदु P तथा Q रेखाखंड AB को समत्रिभाजित का है 3 समान भागों में विभाजित करना। समत्रिभाजित करते हैं तब हमें बेटा बिंदु P और बिंदु Q के निर्देशांक यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आप समझिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए। अब यहाँ पे हमें हमारे पास जो है वो अनुपात नहीं होता है तो हम पहले बिंदु P और Q के लिए अनुपात को निकालते हैं। तो बिंदु P के लिए जो अनुपात होगा m1/m2 या m1/m2 बराबर। बिंदु P के जो है इस साइड कितने पॉइंट हैं, एक है और इस साइड 2 है, तो अनुपात हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, m1/m2 बराबर 1:2। और अब यहाँ पे हम विभाजन सूत्र से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। विभाजन विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या होता है बेटा, विभाजन सूत्र होता है x बराबर m1x2+m2x1/m1+m2 और y बराबर m1y2+m2y1/m1+m2। अब आप जानते हैं कि m1 का मान कितना हो जाएगा बेटा 1, m2 का मान कितना हो जाएगा 2,
और जो बिंदु पहले लिखा है इसके निर्देशांक एक्स वन वाई वन, जो बाद में लिखा है उसके निर्देशांक एक्स टू और वाई टू मान के हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एम वन का मान कितना रखेंगे बेटा, एक, गुणे एक्स टू का मान माइनस दो, प्लस एम टू का मान दो, गुणे एक्स वन का मान हो जाएगा चार, बटे एम वन एक हो गया, प्लस एम टू कितना हो गया, दो हो गया। और वाई बराबर एम वन वन है और इंटू वाई टू का मान माइनस तीन, प्लस एम टू टू इंटू वाई वन का मान माइनस एक, बटे एम वन का मान हो जाएगा एक और एम टू का मान हो गया दो। आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर माइनस दो का गुणा एक से होगा तो माइनस दो, प्लस चार दूनी आठ बटे तीन, वाई बराबर तीन का गुणा किया तो माइनस तीन, इसका करेंगे तो माइनस दो बटे तीन, कितना हो जाएगा माइनस दो बटे तीन। इसके बाद आगे समझिएगा बेटा, अगर हम यहां पे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x बराबर छह बटे तीन और ये y बराबर माइनस पांच बटे तीन। इसको काट के हम कितना लिख सकते हैं बेटा, दो, लेकिन ये नहीं कट रहा है तो अतः बिंदु P के निर्देशांक दो माइनस पांच बटे तीन होंगे, कितने होंगे, दो और माइनस पांच बटे तीन होंगे। इसी प्रकार से हमें बिंदु Q के लिए भी सॉल्व करना है, तो बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए अगर बात करें तो M1 अनुपाते M2 बराबर हो जाएगा दो अनुपाते एक, क्योंकि आप देख सकते हैं कि Q के लेफ्ट साइड में टू पार्ट है और राइट साइड में जो है वो एक पार्ट है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, दो अनुपाते एक। अब हम इसे विभाजन सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y बराबर होता है बेटा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ पे हमें मान रखना है तो m1 का मान कितना रखोगे बेटा, दो, और m2 का मान कितना रखेंगे, एक, और x1 y1 x2 y2 वही रखना है जो हमने बिंदु P के लिए निकाले थे, ये x1 y1 ये x2 और क्या हो जाएंगे y2। तो अब यहाँ पे मान रखते हैं बेटा, तो देखिएगा ध्यान से, x बराबर m1 का मान दो गुणे x2 का मान माइनस दो, प्लस m2 का मान एक गुणे x1 का मान चार, बटे दो प्लस एक, y बराबर m1 का मान दो गुणे y2 का मान माइनस तीन, और यहाँ पे प्लस m2 का मान वन और y1 का मान माइनस एक बटे दो प्लस एक। आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर दो का दो से गुणा किया तो माइनस चार, प्लस चार बटे तीन, और y बराबर तीन दूनी माइनस छ, माइनस एक बटे, और यहाँ पे हो जाएगा तीन। यहाँ पे बेटा x बराबर जी जीरो बटे तीन और y बराबर माइनस सात बटे तीन, तो जीरो में किसी भी संख्या का भाग दो जीरो हो जाएगा और y बराबर माइनस सात बटे तीन। अतः बिंदु बिंदु Q के जो निर्देशांक होंगे वो जीरो, माइनस सात और तीन होंगे। तो इस प्रकार से हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होगा।
इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं करना है, वो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है कि वो पेपर में कभी नहीं पूछा जाएगा और उसको सॉल्व करने का कोई मतलब भी नहीं है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फोर आप देख सकते हैं आपके सामने है। इसमें कह रहा है बेटा कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु -3 और 10 और 6 -8 को जोड़ के हमें एक रेखाखंड बनाना है, और उस रेखाखंड को जो बिंदु विभाजित कर रहा है उसके निर्देशांक -1 और 6 हमें दिए गए हैं। तब हमें बताना है कि वो बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी कि किस अनुपात में विभाजित करता है। तो समझिएगा कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु दिए हैं, जिसमें हम मान लेंगे कि एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक हमें दिया है -3, 10 -3, 10 और एक बिंदु बी जिसके निर्देशांक 6, -8 और एक बिंदु पी है जिसके निर्देशांक -1 और 6 है, जिसके निर्देशांक -1 और 6 है। तो क्वेश्चन के अनुसार बिंदु ए और बिंदु बी को मिला के एक रेखाखंड बनाया गया, और इस बिंदु ए और बी से मिलके जो रेखाखंड बना है, इस रेखाखंड को बिंदु पी किस अनुपात में विभाजित करेगा, वो अनुपात हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिंदु पी। तो अब हम क्या लिखेंगे कि माना कि बिंदु पी रेखाखंड एवी को के अनुपाते एक में विभाजित करता है, जब भी आपको अनुपात निकालना हो तो आप हमेशा के अनुपाते एक मान के अनुपात को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए कि जो बिंदु ए है इसके निर्देशांक -3, 10 और बिंदु बी के निर्देशांक 6, -8 और बिंदु पी के निर्देशांक -1, 6 हमें दिए गए हैं। अब जब हम इसमें विभाजन सूत्र, जो बिंदु जो पी है वो इस रेखाखंड को के अनुपाते एक में क्या है, विभाजित करता है। तो ये M1 M2 का मान है, ये X और Y का मान है, ये X1 Y1 और X2 Y2 के मान होंगे। अब हम यहाँ पे विभाजन सूत्र लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से x बराबर m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2 और y बराबर होता है बेटा m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। अब हमें केवल मान रखने हैं। तो बेटा x का मान कितना रखोगे, -1। x का मान कितना रखोगे, -1 बराबर m1 का मान k मान लिया है और इंटू x2 का मान -3 प्लस m2 का मान 1 इंटू x1 का मान जो है वो x2 का मान 6 है। x2 का मान कितना है, 6, और x1 का मान -3 बटे m1 का मान हो गया हमारे पास k प्लस m2 का मान 1। y का मान 6 बराबर m1 k गुणे y2 का मान हो जाएगा बेटा
y2 का मान -8 प्लस m2 का मान 1 गुणे y1 का मान 10 बटे k+1। अब यहाँ पे हम किसी एक को लेके सॉल्व करेंगे और उसी से हम k का मान यहाँ पे निकालेंगे। अतः या तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। k का मान दोनों को सॉल्व करने पर सेम आएगा, k का मान अलग अलग नहीं होगा। तो अगर हम बेटा इसको लेके सॉल्व करें तो -1 बराबर 6 का गुणा k से होगा तो 6k, ये -3 बटे k+1। क्रॉस गुणा करेंगे तो -1 का k से होगा तो -k, और 1 से होगा तो -1 बराबर 6k -3। यहाँ पे -k इस साइड आएगा तो -6k, ये -2+1 बेटा -7k बराबर -2। माइनस से माइनस कट जाएगा तो k बराबर 2/2 कितना हो जाएगा 7। अब हम इसे अनुपात में रख लेंगे। अतः m1 अनुपाते m2 बराबर k अनुपाते 1। k का मान रखोगे बेटा 2/7 अनुपाते 1, अर्थात 2/7 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।